आज की इस वीडियो में हम उस बंदे के बारे में बात करने वाले हैं या फिर उस कंपनी के बारे में जो कि बच्चों के लिए खिलौने बनाती है। अब ये कंपनी जो बच्चों के लिए खिलौने बनाती है वो नॉर्मल खिलौने से काफ़ी अलग और अजीब होते हैं। इतने ज़्यादा अजीब कि ये खिलौने सिर्फ बच्चे के ही नहीं बल्कि एक हट्टे कट्टे इंसान की भी जान ले सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी खिलौने की जो कि डॉक्टर वंडरटेनमेंट के इन्वेंशन है। और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर वंडरटेनमेंट के बारे में, यानी कि खिलौनों के डॉक्टर के बारे में। SCP फाउंडेशन को डॉक्टर वंडरटेनमेंट के बारे में तब पता चला जब SCP फाउंडेशन के हाथ लगा SCP-455। ये तीन बंडल थे A3 साइज पेपर के। दिखने में तो ये एक नॉर्मल से पेपर ही थे लेकिन इस पर डॉक्टर वंडरटेनमेंट के बारे में मेंशन किया हुआ था। और ठीक उसी तरीके से SCP फाउंडेशन को डॉक्टर वंडरटेनमेंट के बारे में पता चला। और SCP-455 भी डॉक्टर वंडरटेनमेंट की ही एक इन्वेंशन है। अब एक नॉर्मल बच्चे की सोच कैसी होती है? घर में मौजूद एक नॉर्मल बच्चा घर की झाड़ू को बंदूक बना लेता है या फिर ईंटों के पड़े ढेर को सबमरीन समझ लेता है। ठीक उसी तरीके से डॉक्टर वंडरटेनमेंट का ये इन्वेंशन SCP-455 काम करता है। दरअसल SCP-455 को जिस भी चीज़ की तरह फोल्ड करके बनाया जाए उसी चीज़ की एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ उस पेपर के अंदर आने लग जाती है। अब फाउंडेशन के पर्सनल्स ने भी A3 साइज के इन पेपर्स में से एक पेपर को लिया और उसे फोल्ड कर दिया। बाद में जब फाउंडेशन के पर्सनल्स ने उस पेपर के आर पार देखा तो उन्हें एक टेलीस्कोप की तरह नज़र आया, यानी कि उस पेपर को एक टेलीस्कोप की तरह मोड़ा गया था और उसी की ही एक्चुअल प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ चुकी थी। लेकिन एक दो एक्सपेरिमेंट्स और हुए SCP-455 के ऊपर और उन एक्सपेरिमेंट्स में उसने काफ़ी सारे पर्सनल्स की जान ले ली। दरअसल हुआ यूँ कि कुछ पर्सनल्स ने SCP-455 के एक पेपर को लेके एक बॉल की तरह बनाया और उसके अंदर एक कैनन बॉल की तरह प्रॉपर्टीज़ आ गई, जिस वजह से तीन पर्सनल्स की कैनन बॉल हिट की वजह से मौत हो गई। उसके बाद फाउंडेशन के पर्सनल्स ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन पेपर्स की मदद से सेम SCP-682 की तरह दिखने वाला एक मॉन्स्टर बना दिया और रिजल्ट ये निकला कि उसके अंदर SCP-682 जैसी प्रॉपर्टीज आ गई, जिस वजह से उसने पूरा रिसर्च लैब तबाह कर लिया और SCP-682 के डुप्लीकेट ने 9 लोगों की जान ले ली। डॉक्टर वंडरटेनमेंट के इन्वेंशंस में से एक और नाम आता है जो कि है SCP-609 ऑन्टोलॉजिकल बॉल्स। अब ये 6 बॉल्स हैं जिनके ऊपर फिजिक्स के लॉज बिल्कुल भी काम नहीं करते। इन 6 बॉल्स को यूनिवर्स के कोई भी कोने में सिर्फ इमेजिनेशन से ही भेजा जा सकता है और इन बॉल्स को डिस्ट्रॉय करना भी नामुमकिन है। यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और वो यही है कि ये यूनिवर्स के कोई भी कोने में भी पहुंच सकता है, यानी कि कहीं भी पहुंच सकता है। और एक बार इसी वजह से फाउंडेशन के एक पर्सनल के ब्रेन के अंदर ये बॉल चला गया था, जिस वजह से उस पर्सनल की मौत हो गई थी। एक इंसान के लिए बिना सोचे रह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और ठीक इसी तरीके से SCP-609 काम करता है। अगर आप SCP-609 के करीब है और कोई भी ऐसी ऊटपटांग चीज़ सोच लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने सोच लिया कि ये बॉल मेरे लीवर के अंदर चला जाए तो सही में ये बॉल वहाँ से टेलीपोर्ट होके आपके लीवर के अंदर भी जा सकता है और इस तरीके से ये आपके अंदर सीरियस हेल्थ कंडीशंस क्रिएट कर सकता है और यहाँ तक कि आपकी जान भी ले सकता है। SCP-1079 भी डॉक्टर वंडरटेनमेंट के काफ़ी ऊटपटांग इन्वेंशंस में एक है, लेकिन ये इन्वेंशन वो है जो कि हर बच्चे का सपना होता है और जो कि हर बच्चा पाना चाहता है, और ये है चॉकलेट्स का डिब्बा। इसके अंदर मौजूद है काफ़ी सारी कैंडीज़, लेकिन मैं सच कहूँ तो इन कैंडीज़ से दूर रहने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि इन कैंडीज़ पे साफ साफ लिखा होता है कि एक से ज़्यादा कंज्यूम मत करो, लेकिन बच्चे थोड़ी ना किसी की सुनते हैं, उनका तो एक में मन ही नहीं भरता। तो जब SCP-1079 की कैंडीज़ में से एक कैंडी को जब फाउंडेशन के पर्सनल ने टेस्ट किया, यानी कि उस पर्सनल ने एक कैंडी को कंज्यूम कर लिया, उसके बाद उसकी बॉडी में से काफ़ी ज़्यादा बबल्स निकलने लगे और उन बबल्स में से किसी बबल गम जैसी स्मेल आने लगी। हालांकि ऐसी एक कैंडी को खाने से आप ज्यादा से ज्यादा
30 से 50 मिलीलीटर तक अपना ब्लड खो सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा खा ली तो हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए। और तो और इस कैंडी की सबसे कमाल की बात तो यह है कि इसके पैकेजिंग के ऊपर जो भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज लिखी गई है वो नेगेटिव के अंदर है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इस कैंडी को कंज्यूम करते हैं तब आप अपनी बॉडी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स खोने लग जाते हैं, यानी कि इस कैंडी को ज्यादा कंज्यूम करने से मैसिव ब्लड लॉस हो सकता है और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक और अजीब डॉक्टर वंडरटेनमेंट के इन्वेंशन के बारे में, जो कि है डॉक्टर वंडरटेनमेंट फन बुक। ये बुक ऐसी है जो कि कभी भी खत्म नहीं होगी। वैसे दिखने में तो ये आपको काफी पतली लगेगी, लेकिन जैसे ही आप इसको अनफोल्ड करना शुरू करेंगे ये अनफोल्ड होती ही चली जाएगी और कभी भी खत्म नहीं होगी। एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक पर्सनल ने इस बुक को खोलना शुरू कर दिया और ये बुक इतनी ज्यादा खुल गई कि एक फुटबॉल के ग्राउंड के जितनी साइज की हो गई। हालांकि ये इन्वेंशन डॉक्टर वंडरटेनमेंट की सबसे सेफेस्ट इन्वेंशन में से एक है, लेकिन कौन ही इतनी बड़ी साइज की खुली हुई बुक को बंद करने की मेहनत करना चाहेगा। तो अब आ जाते हैं डॉक्टर वंडरटेनमेंट के लिटिल मिस्टर्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिएशंस है डॉक्टर वंडरटेनमेंट की, जिसके अंदर मौजूद है 20 टाइप के ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो कि काफी ज्यादा अनामलस इफेक्ट्स के साथ में आते हैं। खैर, लिटिल मिस्टर्स के ऊपर हम चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इस लिस्ट में अगला नंबर है SCP-3301 का, जो कि एक संदूक है जिसके अंदर दो चीजें मौजूद है, एक है बोर्ड गेम और एक है सिल्वर कलर का डब्बा। अब यहाँ पर इस गेम की सबसे खास बात यह है कि जैसे जैसे आप इस गेम को खेलते जाते हो आपको SCP फाउंडेशन के टॉप सीक्रेट्स के बारे में पता चलता जाता है, यानी कि उन प्रोजेक्ट्स और उन SCPs के बारे में जो कि अभी तक फाउंडेशन के द्वारा टॉप सीक्रेट रखे गए हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन सब के बारे में डॉक्टर वंडरटेनमेंट को कैसे पता चला। हालांकि इसका जवाब दे पाना काफी मुश्किल है, लेकिन फाउंडेशन के कुछ पर्सनल्स महीने में 5 दिन इस गेम को खेलने में बिता देते हैं। इसका कारण काफी सिंपल है, क्योंकि डॉक्टर वंडरटेनमेंट ये मानता है कि अगर फाउंडेशन के पर्सनल्स इस गेम को खेलना बंद कर देते हैं तो डॉक्टर वंडरटेनमेंट ये समझ जाएगा कि इसकी टेस्टिंग अब कंप्लीट हो चुकी है, जिस वजह से डॉक्टर वंडरटेनमेंट इस गेम को दुनिया के हर टॉय स्टोर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि दुनिया में हर कोई SCP फाउंडेशन के टॉप सीक्रेट्स के बारे में आराम से जान लेगा, जिस वजह से फाउंडेशन के पर्सनल्स महीने के 5 दिन निकालते हैं इस गेम को खेलने के लिए, ताकि वो डॉक्टर वंडरटेनमेंट को ये बता सके कि इसकी टेस्टिंग अभी तक चल ही रही है और खत्म नहीं हुई। हालांकि इस गेम को खेलना उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा जिनको ऊंचाई काफी ज्यादा पसंद है। दरअसल जैसे ही आप इस बोर्ड गेम को खोलते हैं और इसके सेंटर में उस सिल्वर बॉक्स को रख देते हैं तो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आप जमीन से 300 मीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं, और बाद में एक लैंडस्केप क्रिएट हो जाता है जिसके बाद आप एक दूसरे प्लेयर्स को मार सकते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि जैसे ही आप एक इंसान को मार देते हैं तो वो इंसान उस गेम से बाहर निकल के असली दुनिया में आ जाता है और उसको एक खरोच भी नहीं आई होती है, और बाकी के प्लेयर्स भी उस गेम से बाहर निकल जाते हैं जैसे ही गेम ओवर हो जाती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये गेम फाउंडेशन के अंदर आया कैसे। तो दरअसल इसके बारे में काफी थियोरीज बनाई जाती है, लेकिन इसमें से एक थियोरी ऐसी हो सकती है कि डॉक्टर वंडरटेनमेंट ने उस बॉक्स को टेलीपोर्ट कर दिया हो SCP फाउंडेशन के अंदर, और इस तरीके से डॉक्टर वंडरटेनमेंट SCP फाउंडेशन को ये बताना चाहता हो कि वो कितना खतरनाक है और उसको कितनी जानकारी है SCP फाउंडेशन के बारे में। हालांकि लोग अलग अलग थियोरीज इसके ऊपर भी बनाते रहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो बॉक्स फाउंडेशन के अंदर आया कैसे, आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है डॉक्टर वंडरटेनमेंट के बारे में और उसके कुछ ऐसे इन्वेंशन के बारे में जो कि काफी अजीब और काफी खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ऐसे ही फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।